वेलकम टू कोटा पेड़ 2021। दोस्तों आज तकरीबन एक महीना हो गया है, तो मैंने सोचा चलो आज आपको इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ, सबके केज वाइज, और आज इनको थोड़ा नहलाना भी है। मैं ऐसे संडे के संडे इनको नहलाता हूँ और इनके चेक करते ना इनकी क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसको पता है कि किसने क्या था, किसने क्या नहीं है, कुछ नया पुराना जो भी होगा। मैं एक एक केज में इनको, जो मैंने 8 केजी बना रखे हैं, 1 केजी है मेरा एक्स्ट्रा, इसमें बच्चे और कुछ बड़े हैं एक्स्ट्रा हैं इसके बारे में, और इनके अंदर जो हैं एक एक सिंगल सिंगल केज के 8 जोड़े जो इसमें हैं उनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। शुरुआत करते हैं, जैसे पहले शुरू से करते हैं, फर्स्ट नंबर का केज में ऊपर ये सिराजी है मेरा, ये मेल जम्बो साइज का मेल है, ये इसके साथ ग्रे बार की फीमेल है। और जैसा कि आपको याद है पिछली बार आपने देखा था कि पेंटेल के मैं इनसे बच्चे पलवा रहा हूँ, तो ये बच्चे हैं और इसने अभी शायद अंडे दे दिए। इसके अंडे भी चेक करते हैं अपन, दोनों हो गए होंगे अब तो। ये 2 अंडे पे बैठे हैं, इसने ये अंडे 30 तारीख को दे दिए थे, ये फीमेल है। ये फीमेल ग्रे बार में फीमेल है, सिल्वर मेल है। इन्होंने इसके पेंटल के बच्चे पाल रहे हैं। इसके नीचे मेरा ब्लैक बड़े जंबो साइज का पेयर है, ब्लैक फीमेल है। पिछली बार मैंने इस ब्लैक का पेयर येलो कलर की फीमेल से लगा रखा था, जो कि मैंने सेल कर दिए। अब इनका एक बच्चा निकला है, एक अंडा खराब हो गया। ये फीमेल है और ये ब्लैक। ठीक है दोस्तों, एक बच्चा निकला है इनका, चेक करते हैं, अंडा खराब हो गया इनका एक। चलो भाई तुम भी जाओ, नेक्स्ट इसके पास वाले केज में चलते हैं। इसमें ऊपर मेरा मुखी का जोड़ा है और इसने अभी 2 अंडे दे दिए। 2 अंडे पे है ये, और ये इसके नीचे 2 बच्चे हैं। एक तो ये मुखी है और एक इस राजी क्रॉस का बच्चा है, 2 बच्चे इसके। ठीक है दोस्तों, आज संडे है, सफाई भी करेंगे इनके, काफ़ी दिन हो गए। और ये नीचे मेरे अमेरिकन के फट्टे हैं, 3 से 4 गली पे होंगे अभी, बढ़िया जंबो साइज के हैं। इन बच्चों को मैंने हैंड फीड से पाला है, 20 दिन के थे जब मैंने इनके माँ बाप को सेल कर दिया था। ब्लैक कलर का जो मेरा सेल जोड़ा था मेन ब्रीडर, तो मैंने सेल कर दिया। ये बच्चे हैं अभी मोल्टिंग पे हैं, ये मेल है और पीछे वाली फीमेल है, बड़े जंबो साइज के हैं, निकलेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने 20 दिन के थे तब से हैंड फिश को पाला है, अभी तो मोल्टिंग पे है, पूंछ सब इनकी। ये है दूसरा, जेड ब्लैक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके पास चलते हैं अपन। ऊपर चलो नीचे से दिखाते हैं, नीचे ये इंडियन पेंटेल का जोड़ा है मेरा और मेल भाग रहा है थोड़ा, और नीचे अभी उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के बच्चे एक पैर के बच्चे में सिराजी से पलवा रहा हूँ, और ऊपर ये ब्लैक मेल है बढ़िया साइज का, ये मेरा फेवरेट मेल है, और रेड कलर की फीमेल है, इसने 1 अंडा दे दिया।
इसके दो वायर के अंडे खराब हो गए। ये इस अंडे को भी इन्हें क्रेक कर रखा है, मैंने इसको फेविक से चिपका रखा है। देखते हैं जब तक इसका बच्चा बनता है कि नहीं बनता। अभी तो एक अंडा दिया है इसने, ठीक है इसने पास में चलते हैं। तो ऊपर ये मेरी फीमेल है ब्लैक कलर की, थोड़ी मिस मार्क में है लेकिन फेवरेट फीमेल है मेरी। ये किसी को दे रखी थी मैंने 3-5-6 महीने से उनके पास थी। और एक रेड कलर का पट्टा इसके साथ छोड़ रखा है मैंने। इसने भी अंडे दिए हैं, एक अंडा दिया है अभी, इसका एक अंडा है। नीचे ये रेड कलर का जोड़ा है मेरा, जिसमें मेल तो भाग गया भाग, और दो बच्चे हैं। इसकी भी एक कहानी थी ब्लैक फीमेल की, इसका गैस बहुत उससे बची थी मेरे पास। ठीक है दोस्तों, इसके सिर पे चोट आई थी तो इसके टाँके वाके लगाए थे मैंने जब छोटी थी, तो इसको मैं सेल नहीं की, किसी को दे रखी थी मैंने 5-6 महीने से ब्रीडिंग लेने के लिए। अभी मैं 5-7 दिन पहले लेके आया हूँ। चलो अब इनको खोलते हैं एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, ये मैं एक एक करके इसको छोटा है, सिल्वर फीमेल है, एक कप रख रखी थी मैंने। ये एक ब्रीडिंग फीमेल है अमेरिकन, ठीक है बढ़िया साइज की, इसको भी मुझे सेल करनी है, ठीक है। और ऊपर एक ये ब्लैक पट्टा मेल है, और ये सिल्वर कलर की फीमेल है अमेरिकन ब्रीडिंग, एक ब्लैक कलर की है फीमेल है सिराजी की, 78 का मेल है पट्टा है, इंडियन अमेरिकन क्रॉस, ये शायद फीमेल लग रही है। और एक सिल्वर कलर का पट्टा है, ये भी फीमेल लग रहा है मुझे। और एक ये थोड़ा लाइट कलर में ये मेल फीमेल है और शायद ये मेल है। तकरीबन 7-8 पीस ही हैं जो एक्स्ट्रा हैं। चलो इनको ही बाहर जाने देते हैं। ये बाहर आ गए सब। अभी ये मैंने मिट्टी बना रखी है मसाले वाली, वो खा रहे हैं अभी, ये बड़े शौक से खाते हैं ये मिट्टी मसाले वाली। फिर इनके बाद इनको थोड़ा नहलाएंगे, नहलाने का इंतजाम भी करूंगा मैं अभी पानी भर के, ठीक है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये मैंने बच्चों को भी बाहर छोड़ रखा है। आप भी अपने 20 दिन के बच्चे हो जाएँ तो उनको बाहर छोड़ सकते हो, ताकि जल्दी दाना खाना सीखें। अब जैसे ये उठा रहा है, दाना उठाया लग गया है, जल्दी सेल्फ हो जाएगा। ये लखे के बच्चे भी उठा लेते हैं दाना थोड़ा बहुत। और ये मैंने इनको निहाले का इंतज़ाम कर रखा है बंदोबस्त। इसमें मैंने इसमें दवाई मिलाई है, जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट पिंकी, उससे क्या इनके परों में चमक रहती है, जुए ख़त्म होती है। अब ये कबूतर ज़्यादा हैं अलग अलग किस्म का, तो मैंने जुगाड़ कर रखा है सूट केस है, जो काम में नहीं आ रहा था मैं इसमें पानी भर देता हूँ और इसमें नहा रहे हैं सब। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं मेरे को। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।